तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और फ्रेश और कमाल वीडियो में। तो क्या फ्रेंड्स, आपके स्मार्टफोन का म्यूज़िक प्लेयर भी कुछ सॉन्ग्स या फिर कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को शो नहीं करता है जो कि वैसे तो आपके स्मार्टफोन में स्टोर्ड होती हैं, लेकिन जब आप उन्हें म्यूज़िक प्लेयर में ढूंढते हैं तो वहाँ पर आपको वो ऑडियो फाइल्स नहीं मिलती हैं। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप उन हिडन ऑडियो फाइल्स को विजिबल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में म्यूज़िक प्लेयर को ओपन कर लेना है। इसे ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर आपको टोटल 5 फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं हमारे म्यूज़िक प्लेयर में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो लेफ़्ट कॉर्नर में 2 लाइंस दिखाई दे रही हैं तो आपको सिंपली उन पर क्लिक कर देना है। इन पर क्लिक करते ही आपके सामने कई ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स ओपन करते ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस्ड सेटिंग्स का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे और यहीं पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है फिल्टर ऑडियो फाइल्स का। तो यहाँ पे जो आपको 2 फिल्टर्स दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले आपको इन दोनों फिल्टर को डिसेबल कर देना है। तो अभी मैं इन दोनों फिल्टर्स को डिसेबल कर देता हूँ। इन्हें डिसेबल कर देने के बाद आपके स्मार्टफोन में जो भी ऑडियो फाइल्स थी जिनका साइज़ 2 MB से कम था या फिर जिनकी लेंथ 2 मिनट से कम थी, वो सभी आपके म्यूज़िक प्लेयर में विजिबल हो जाएंगी, जो कि इन फिल्टर्स के लगे होने की वजह से पहले हमारे म्यूज़िक प्लेयर में दिखाई नहीं दे रही थी। तो अभी के लिए हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी और भी बहुत सारे म्यूज़िक फोल्डर्स हमारे म्यूज़िक प्लेयर में ऐड हो चुके हैं जो कि फ़िल्टर्स को रिमूव करने से पहले यहाँ पे नहीं थे। तो ऐसे ही आप भी फ्रेंड्स अपने स्मार्टफोन की सभी ऑडियो फाइल्स को अपने म्यूज़िक प्लेयर में विजिबल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था फिलहाल की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई हो। और अगर फ्रेंड्स आपकी स्मार्टफोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।